अस्सलाम असल मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी थैंक यू सो मच आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए नाजरीन एक फेक खबर वायरल हो चुकी थी खबर वायरल होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को अड्याला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छुपे हुए जो रहनुमा हैं उनके बारे में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आज उनको जारी करनी पड़ी है और उन्होंने जारी कर दिया है और जारी करते हुए इमरान खान ने छुपे हुए रहनुमाओं को क्या कहा है आज के प्रोग्राम में इसकी तफसलत आपके सामने रखेंगे इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान तहरी इंसाफ के बानी इमरान खान का अचानक एयरवाइज से दिल उठ गया है क्या वजह बनी है और अचानक के ये जियो न्यूज़ है क्यों इमरान खान की मोहब्बत की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है आज के प्रोग्राम में इसकी तफसलत भी आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत बड़ा डिमांड किया है उसको मालूम हो चुका है कि तहरीक इंसाफ फंसी हुई है अब मैं जो मांगूंगा तेरिक इंसाफ मुझे हर सूरत देगी अब उन्होंने एक ऐसा डिमांड किया है हैरान और परेशान हो जाएंगे और ये खबर जराये की खबर है और हंड्रेड परसेंट यह खबर है आपके सामने रखेंगे अगला जेल के अंदर भी बड़ी तब्दीलियां आ चुकी है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस आज खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत ने नौ मई के वाक्यात को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है उससे भी आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि आज से वज़ी अजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ ने बलोच अलहदगी पसंद जो रहनम है जो शिद्दत पर उतर चुके हैं जो बेगुनाह लोगों को का कतल आम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक सख्त डिसीज़न ले लिया है अब इस डिसीज़न की वजह से क्या नुकसान होगा क्या ये डिसीजन दुरुस्त है या नहीं है और रियासत पाकिस्तान की क्या गलतियाँ हैं बलोच लोगों को लेकर उस पर भी आज के प्रोग्राम में तफसील हम बात करेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है नाज़ी सबसे पहले आज पाकिस्तान तरीके के बानी इमरान खान ने आइडियालॉजील से एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी की वो भी रुपोश रणवाओं के हवाले से उन्होंने ये वाज कर दिया कि एक ख़बर जो वायरल हो चुकी थी कि पाकिस्तान तरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने तमाम छुपे हुए रहनुमाओं के हवाले से ये स्टेटमेंट जारी कर दी है कि फौरी तौर पर जहां जहां आप छुपे हुए हैं बाहर निकले अपने बिलों से और आप लोगों ने अदालतों का सामना करना है और आप लोगों ने खुद को अदालतों के सामने ले जाकर अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाने हैं उनका आप लोगों ने फेस करना है ये खबर वायरल हो चुकी थी और अब इसे पाकिस्तान तहरीक इसाब ने फेक करा दे दिया है और आज पाकिस्तान तहरीब के बानी को इस पर बायदा अपना मौकफ़ वाजे करना पड़ा उन्होंने सहाफियों से बायदा खसूसी गुफगू की और कहा कि जितने भी मेरे इस वक्त रुपोश रोपाटी के रहनमा हैं वो छुपे ही रहें बाहर नहीं निकलना है आप लोगों ने कहीं भी अब लोग नज़र नहीं आ रहे हैं जहाँ हैं वहीं रहें खामोश रहें फ़िलहाल हालात ठीक नहीं हैं और उन्होंने ये खदशे का इजहार किया है कि मुमकिन है अगर वो बाहर आएँ तो उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है आ, उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, करवाया जा सकता है उनसे ज़बरदस्ती कोई पैगाम या उनसे कोई स्टेटमेंट दिलवाई जा सकती है लिहाजा आप लोगों ने जहाँ जहाँ हैं आप खामोश आप लोगों ने वहीं रहना है तो जो कल कल की जो फेक खबर थी उसकी वजह से इमरान खान को ये स्टेटमेंट जारी आज करनी पड़ी है कि आप जहाँ हैं छुपे रहें निकलने की ज़रूरत नहीं है ये उन्होंने आज इमरान खान ने वाजे कर दिया है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस्टबलिशमेंट के साथ कोई बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा है और हमारे साथ कोई डायलाग नहीं हो रहा ये इमरान खान ने आज वाजे कर दिया है अच्छा उसके साथ साथ क्या ये एयर वाइज से अचानक इमरान खान का दिल उठ गया है क्या वजह बनी है और जियो से महबाद क्यों हो गई है कुछ अरसों से, से जेल के अंदर इमरान खान ये बायदा वो अंदाजा लगा रहे हैं और उनको ये अंदाजा हो रहा है क्योंकि उसको पार्टी के रहनमा भी फीड कर रहे हैं कि इस वक्त जो एक बैलेंस रिपोर्टिंग जो है वो जियो न्यूज़ की जानब से ही की जा रही है ये पार्टी के जाहिर रहनुमा उनको कहते हैं फिर उनको जो भी वहाँ हर मामले के हवाले से रिपोर्ट की जाती है जब भी उनके वकला की टीम जाती है या पार्टी के रहनमा जाते हैं तो एक, एक चीज़ के हवाले से उसको बताया जाता है फिर उसी हवाले से वो अपने डिसीजनस लेते हैं या फिर मीडिया से टॉक करते वक्त वो अपना मौक़ वाज़ कर लेते हैं

तो उस पर इमरान खान ने कहा कि सहाफियों ने कहा कि इस तरह जियो न्यूज़ और फिर पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर को अंदर नहीं छोड़ा गया है इमरान खान ने अदालत के सामने एहतजाज किया कि फौरी तौर पर जो एक शफाफ ट्रायल को दिखाने के लिए जियो न्यूज़ और जो पब्लिक न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं उनको अंदर छोड़ा जाए फिर उन्होंने ये भी बाद में सहाफियों से गुफतु करते वक्त कहा कि जियो न्यूज़ बिलखसूस शबीर डार जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ बोलते भी हैं लेकिन एक बैलेंस रिपोर्टिंग उनकी जानव से की जा रही है ये इमरान खान ने ख़ुद ये तस्लीम किया है और उसके बाद जो हैं वो जियो न्यूज़ की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं आज भी उन्होंने पूछा कि जियो न्यूज़ है और फिर उन्होंने शबीर डार की तारीफ और फिर उसके बाद कहा कि जी जी बिल्कुल जियो न्यूज़ है फिर उन्होंने अपनी गुफ्तु का बायदा आगाज़ कर लिया तो अब पे एक वक्त था कि इमरान खान ज़ियो न्यूज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और फिर कहते थे कि ज़ियो न्यूज़ से प्रवर्ट का टूल बन चुका है और फिर तरह तरह की बातें और अपने खिलाफ जो हैं साजिशों की वो मतलब बात करते थे कि ज़ियो न्यूज़ को कभी भी लायक नहीं करते थे बिलखसूस उनकी हुकूमत के दौरान अब जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये बैलेंस रिपोर्टिंग की जा रही है अब ए आर वाई की जानब से उनको यह अंदाज़ा हो चुका है या पार्टी के रहनुमाओं ने उनको बता दिया है कि इस वक्त ए आर वाई कम्प्रोमाइज्ड है और वो आपके हक में उस तरीके से ए आर वाई नहीं बोल रही है जिस आपके पार्टी जब हुकूमत में थी या फिर आप उस वक्त इस्टबलिशमेंट के बड़े करीबी होते थे तो उस वक्त ए आर वाई की जानब से अजीब गरीब किस्म की खबरें चलाई जाती थी और फिर वो उसूल और फिर वो एथिक्स को भी पामाल करके ए आर वाई को आप लोगों ने भी सफ़े अवल में ज़रूर देखा होगा इमरान खान के हक में और फिर उसी हिसाब से जी एर वाई की टीम ने फ़ायदे भी बहुत उठाया उनके मालिकान ने आप लोगों को अंदाज़ा है कि उन्होंने खूब अपने दौर में इमरान खान के दौर में कमाना था जो उन्होंने उन्होंने बाकायदा जो तंगमे लेने थे वो भी वो ले चुके हैं जीवनी से देखें इतना किसी का भी हो सकता है लेकिन वो एक सहाफ़त के अतबार से वो अपने अपने खबरों के दौरान एक बैलेंस रिपोर्टिंग उनकी जानब से ज़रूर की जा, जाती है जैसे कि मैं खुद जिस वक्त इमरान खान के दौर में मेरे ख्याल में तमाम टी वी चैनल्स की जानब से आ, की, आ, जो सैलरीज थी वो रोकी जा रही थी और फिर सैलरीस न देना और फिर एक अजीब सा एक बहरान बरपा हुआ था उस दौरान जियो न्यूज़ ने हेड लाइन एक ख़बर चलाई उस दिन जियो न्यूज़ से यकीन आ, मैंने कहा यार दैट्स ग्रेट ये होती है उन्होंने ये खबर चलाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम का केस था सैलरीज के मामले को लेकर तनख्वाहों के मामले को लेकर उस पर जियो न्यूज ने हेडलाइन चलाई थी कि जियो न्यूज समेत कई इदारों में सहाफियों के मुलाजमीन की, की सैलरीज टाइम पे न देने पर आज सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई होने जा रही है और ये ये कहा गया है तो जियो न्यूज ने अपना नाम मेंशन किया बाकी दीगर टीवी चैनल्स के हवाले से बगैर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है तो अपना नाम लेना और चीज़ों को लेकर वो इस तरह रिपोर्टिंग की जाती है तो आज इमरान खान भी अडयाला जेल में जियो न्यूज़ के काफ़ी वो उनके रिपोर्टिंग से उनके काम से वो मतमन नजर आ रहे थे अब देखना ही है कि ये दोस्ती और ये अहतम कब तक बरकरार रहता है अच्छा तीसरी बड़ी खबर यह है कि नाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो है कई मुलाकातें हो चुकी हैं लेकिन उन मुलाकातों के बावजूद भी मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ने के लिए कोई मिलकर हकमतमली बनाने से उन्होंने साफ इनकार किया हाँ अलबत यह ज़रूर कहा कि हम आप लोगों के अलायंस में तो नहीं आएंगे लेकिन अलबत्तः पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून साजी होती है तो उसके हर केस टू केस जो हैं हम आप लोगों के साथ बैठेंगे मशावरत करेंगे और फिर आगे मिलकर बढ़ने की कोशिश करेंगे ये मौलाना ने ये वो पहले ही कह चुके थे लेकिन अब ये हुआ कुछ यूँ है कि मौलाना फजल रमान ने बायदा पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ की जो क़्यादत थे जो रहनम है उनके साथ जो उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं अभी रिसेंटली जो उनकी मुलाकात हुई है उस मुलाकात में यह बाबर जराइस से ये ख़बर सामना आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इनाब से मौलाना फजलान ने कौमी असम्बली और सीनेट में हमायत की खातिर उन्होंने कहा कि हम हमायत तब करेंगे कि तहरीक इसाफ़ हमें सीनेट में दो नशस्तें हमें देगी ये डिमांड मौलाना ने तहरीक इंसाफ से कर लिया है अब इसकी वजह यह बनी है कि मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं कि उनके एक करीबी साथी हैं और सबक के गवर्नर खैबर पखतनख्वा गुलाम अली को वो दोबारा सेनेटर बनवाना चाहते हैं वो सेनेटर बनवाने के लिए कह रहे हैं तहरीक कि भई आप लोगों ने दो नशिस्तें जो हैं वो हमें छोड़ दी हैं और लेकिन उनके पास दो वोटों के मतलब तादाद कम है इसलिए उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने हमें देने हैं अब ये जराए का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सीट पर आमदा हो सकती है अब तेरीक इंसाफ भी फंसी हुई है उनको मौलाना का साथ हर सूरत चाहिए उनको स्ट्रीट से आ, उनको पावर शो दिखाने के लिए उनको मौलाना का साथ होना लाजम मलजूम है अब तेरिक इंसाफ़ सब कुछ दाव में लगाने के लिए तैयार है बस किसी तरीके से उनके काय्स यानी उनके पार्टी के चेयरमैन को जेल से बाहर निकालने में मौलाना उनका साथ दे रहे हैं बस अब मौलाना साहब ने भी ये डिमांड कर दिया है अब देखने ये कि तहरीक इसाब कैसे इसको हैंडल करती है और क्या मौलाना फजल रहमान आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इसाब के साथ आगे मिल के बढ़ने के हवाले से कन्फर्म कोई पॉलिसी बनाते हैं क्या वो तहरीक इसाब के, के बानी को फौरी तौर पर जेल से रिहा करवाने के लिए भी तहरीक का हिस्सा बनते हैं कि नहीं बनते हैं ये असल में ये पॉइंट है ये जरूर आ देखा जाएगा अड्याला जील के अंदर तब्दीली लाई जा चुकी है और अड्याला झेल के अंदर जो है एडिशनल सुपरटेंडेंट समेत तीन नए अफसरान की तैनाती हो चुकी है और जेल जराये का ये कहना है कि अली आ, अमीर शाह को एडिशनल सुप्रडेंट जेल राहुल तैनात किया गया है आमिर फयास भट्टी को डिप्टी सुपरेंडेंट एजुकेशन तैनात किया गया है और जमात अली को डिप्टी सुप्रडेंट जुडिशल अडियाला जेल तैनात किया जा, जा चुका है और आप लोगों को मालूम है जो जेल सुपरेंडेंट था डिप्टी सुपरडेंट अक्रम को बाकायदा चौदह अगस्त को उनको हिरासत में ले लिया गया था कि वो इमरान खान की वो सुलत कर रहे हैं उसके साथ साथ जो है फिर दो अरदरी तीन और बंदे और फिर आ, कुछ और बंदों को भी बाकायदा इस तरीके से निकाला गया था कोई छः मुलाजमीन से पूछताछ हो चुकी थी उनके खिलाफ फिर कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं अच्छा उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, के रहनमाओं की जानब से बिलखसूस इस वक्त जो नौ मई के वाक़ को लेकर इस वक्त खैबर पुतलखा हुकूमत की जानब से एक बड़ा फैसला ये सामने आ चुका है उन्होंने कहा है खैबर हुकूमत ने पिशावर हाईकोर्ट की जानब से जुडिशल इंक्वायरी कराने की ख़त पर इतराज़ के बाद नौ मई के वाकत की इंक्वायरी कमीशन खुद कायम करने का बाकायदा यह फैसला कर लिया है ये खैबर खाकि हुकूमत ने और कहा है कि सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम ने यह बाग़े कर दिया है कि इंक्वा कमीशन के, के लिए जजेस का होना लाजमी नहीं हैदिले इंक्वारी नहीं करना चाहती है तो खुद इंक्वा कमीशन हम तश्किल देंगे हम जजेस की बात इसलिए कर रहे थे कि इस वक्त अदिले पर लोग एतमाद करते हैं तो उनका होना लाजमी था बेहतर था लेकिन उन्होंने नहीं माना है तो फिर हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं और आखिरी बड़ी खबर यह है कि नाजीन कोयटा में वजी अजम शहबाज शरीफ की ज़ैर सदारत नेशनल एक्शन प्लान के सूबाई अपेक्स कमेटी का अजलास हुआ है उस अजलास में आर्मी चीफ ने भी खसूस शिरकत की और फिर उसमें नायब वजी अजम इस डार साहब भी थे गवर्नर जाफर बंदुखेल और फिर एहसन इकबाल मोहसिन नकवी अता तार जमाल जम, जम, जाम कमाल खान भी उसमें शरीक थे और बलोस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई है उस दौरान वजीरम की जानब से शाट अल्फ में ये कहा गया है दो ठोक अंदाज़ में कि जो भी रियासत के खिलाफ हैं जो बगावत कर चुके हैं जो रियासत के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं उन दहशत गर्दों के खिलाफ जो कोई भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे उनके खिलाफ बायदा हम एक्शन लेंगे और उनका सफ़ाया हर सूरत हम कर लेंगे ये कहा है। अभी समझ में नहीं आता है कि बलुस्तान के हालात ऑलरेडी ख़राब हैं उनके साथ बातचीत के जरिए अगर कोई मामला हल होते हैं तो वो क्यों नहीं किए जाते हैं जैसे अगर जो पहाड़ों पर हैं जो बात करना नहीं चाहते हैं जो अलायदगी पसंद हैं जिन्होंने बिल्कुल तस्लीम ही नहीं करना है उनकी बात अलग है लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो खवाीन शराब एहत हैं जो गवादर के अंदर पानी दो की तहरीकें चला रहे हैं जो अपने मिसिंग पर्सनस के मामलों को लेकर शराब एतजाज हैं जो दीगर बुनियादी राइट्स के लिए शराब एतजाज हैं जो खुतिन शराब एतजाज कई दिनों से जो पूरे पूरे वहाँ बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं उन लोगों के इन मसाइल को हल करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है आप हर शख्स को पूरे बलोचस्तान को बंदूक की नोक पर खामोश नहीं करवा सकते हैं इससे रियासत का नुकसान होगा इस पाकिस्तान का नुकसान होगा एक शख्स की हरदर्मी या फिर उसकी जिद से चीज़ें नहीं चलती हैं आप आप अंदाज़ा करें कि वजी दाखिला नौसिन नकवी साहब का ये बयान दो दिन पहले उन्होंने जो दिया है कि बलोचिस्तान के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें चलाने वाले जो लोग हैं जो पुरतशद कर रहे हैं ये सब जो हैं खोए मसला नहीं को डील करना ये एक एस एच ओ की मार है अंदाज़ा करें कितना बड़ा भलंडर और ये इंतई मतलब बड़े गुरूर के साथ उनका ये बयान था जिसकी हकीकत से कोई दूर दूर से कोई तालब नहीं है भाई आप लोगों के वहाँ जो एस एच ओ हैं वो तो उनके सामने जाने की ज़रूरत नहीं कर सकते हैं और फिर आर्मी के साथ कैसे वो लड़ते हैं और फिर कितना नुकसान उठाना पड़ता है तो मेरे ख्याल में इस तरह के बेहुदा बयान से कुछ नहीं होगा बल्कि बेहतर ये है कि असल जो नासूर है जो जख्म है उसको ठीक करने की कोशिश की जाए नासूर ठीक किए बग़ैर जो हैं आप जितने भी पट्टियाँ बदलते रहें उससे बेहतरी नहीं आ सकती है बेहतर ये है कि बलोचिस्तान के अंदर वहाँ के लोग बुनियादी जो हकूक़ के लिए शराब एहताज हैं उनको वहाँ फैसलिटीज़ दी जाएँ उनसे बात की जाएँ तो नाराज़ से उनको गले से लगाया जाए जैसे खवातिन शराब एहताज अपने मिसिंग पर्सनस जो आप उनके जो बेटे उनके भाई जो लापता थे उनकी बाजियाबी के लिए उनके लिए अपने बुनियादी हकूक़ के लिए इस्लामादाद तक एहतजाज करके आने वाली उन खातन से किसी ने भी बात नहीं की और वो मायूस हो कि वहाँ से चले गए और फिर वहाँ जाकर भी वो शराब एहताज हैं तो उन सबसे बात किया जाए और जो भी बिलखसूस मिसिंग पर्सनस के जो मामले को लेकर जो शराब बच जाएँ हैं उन लोगों को बाजिया करवाए जाए अदालतों में पेश किया जाए अगर वो वाकई कौमी कोई मुजरम है रियासत के अगेंस्ट है तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई जिस तरह आइन ने कहा है उस तरीके से होनी चाहिए तो इस तरीके से रियासत बच सकती है लेकिन आप किसी को भी बंदूक की जोर पर ज़्यादा देर तक जो है वो मनवाए नहीं सकते हैं आप बुनियादी हकूक़ देकर प्यार मोहब्बत अतमाद और अपनायात के साथ जो है आप आगे बढ़े तो रियासत मुश्किल का सामना नहीं करती है और इसीलिए तो रियासत को मां कहा गया है इसी के साथ अपने मेज़बान आकिर हुसैन को दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद